सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जी हाँ दोस्तों, एक दफो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जे कदे तवां के भी पेंजन बारन ला मैचिंग घर खपन त अजु ही कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में मेंटेनेंस की आड़ में बार बार बिजली विभाग के द्वारा बिजली को बंद किया जा रहा है। शहर के कई परिसरों में तो दिन में घंटों घंटों बिजली बंद होने से लोग परेशान हैं। घंटों घंटों के बिजली बंद होने से लोगों को पीने का पानी समय पर नहीं मिल पाता। शहर में तापमान बढ़ा हुआ है, लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं और ऊपर से बिजली बार बार बंद होने से परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। बिजली के बार बार बंद होने से इमारतों में बिना लिफ्ट उतरने और चढ़ने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इन्हीं परेशानियों को लेकर पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से कैंप 5 के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ इस बैठक में अतिरिक्त अभियंता विजय यादव, पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर अनवाड़ी, सुनील दुसेजा, बाबू तारा चंदानी, किशोर साजनानी और भी कई पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। उल्लासनगर शहर एक औद्योगिक शहर है, जहां बार बार बिजली बंद होने से लोगों को नुकसान हो रहा है, पर बिजली विभाग है कि मेंटेनेंस की आड़ में बिजली को बंद कर देता है। सर, 4 दिन में प्रॉब्लम था। फ्राइडे के दिन आउटेज लिया था, सुबह 10 से 5 बजे तक मेंटेनेंस के लिए सप्लाई बंद किया था। शुरू करने के बाद रात 12 बजे एक भारत डाई ट्रांसफार्मर फॉल्टी हुआ, उसकी वजह से नेताजी फीडर पे प्रॉब्लम हुआ। वो प्रॉब्लम 3 बजे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद में शनिवार को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। संडे इनकमर का सिंगल फेजिंग हुआ था, एक ब्रेकडाउन की वजह से 2 घंटे प्रॉब्लम था। और मंडे के दिन शोभराज गार्डन फीडर नंबर 3 का केबल का फॉल्ट हुआ और ब्रेकर का फॉल्ट हुआ। ब्रेकर का फॉल्ट लगभग तीन बजे फॉल्ट हुआ था। वो सब रिजॉल्व करके 5-6 बजे लाइट शुरू कर दिया। उसके बाद में वही फीडर का अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट हुआ, उसकी वजह से ब्रेकडाउन था। उसके बाद में मंगलवार को ट्रांसमिशन लाइन का पड़गा लाइन 2 ट्रिपिंग आने की वजह से 1-2 घंटा लाइट बंद था। उसके बाद में बिल्कुल उल्लासनगर 5 में बिल्कुल ट्रिपिंग नहीं है और सप्लाई की कोई समस्या नहीं है अभी। सर, इतने घंटों तक लाइट बंद होने के बाद लोगों में ऐसा असमंजस है कि हमारे शहर में अब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। सर, उल्लासनगर 5 में अभी हमारे जो 5 फीडर है यहाँ पे उल्लासनगर 5 में, उसमें से 4 फीडर ए ग्रुप में है और 1 बी में, और दोनों ग्रुप के लिए अभी बिल्कुल लोड शेडिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इधर उल्लासनगर में अभी तक तो लोड शेडिंग नहीं है। सर, एक और सवाल था, अब के जो बिजली के बिल आए हुए हैं उनके साथ एक और बिल है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करके है, तो इसके लिए भी लोग परेशान है क्योंकि कोरोना के बाद से अब तक लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का बिल है जो आखिर क्या है? सर, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसा रहता है, आपका जो बिल एवरेज बिल है तो 2 महीने का एवरेज बिल आपका जो है उतना डिपॉजिट हमारे पास रहना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो उसका डिफरेंस बिल आपको भेज दिया है और उसके लिए हेड ऑफिस ने 6 महीने का इंस्टॉलमेंट में दिया है, 6 महीने में आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते। अगर लोग नहीं भरेंगे तो इस बिल का तो उनको क्या भुगतान है? अभी तक गाइडेंस नहीं है उसमें, लेकिन हेड ऑफिस ने क्लियर किया है कि 6 इंस्टॉलमेंट में भरना है। अब आप लोगों से क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि ये 6 महीने में भर के महावितरण को सहकार्य करें। आज MSEB कंपनी की तरफ से हमारे बड़े साहब आए थे, उनके साथ में व्यापारियों की मीटिंग रखी गई थी कि जो हमारे को 5 नंबर वालों को और बाकी लोगों को भी जो एक हफ्ते से लाइट की तकलीफ़ है, उस विषय में हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने बोला ये हमारे तरफ से नहीं थी, पड़गा की तरफ से थी, यहाँ दूसरे जॉइंट्स फेल हो रहे थे, बाहर से बंद हो रही थी, ऐसी तकलीफ़ पहले ना हुई है न इसके बाद होगी,
तो इसके लिए हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई गर्मी का टाइम है और जब भी लाइट बंद होती है तो पानी डिस्टर्ब हो जाता है, पानी के लिए लोग तरसते हैं और कंप्लेंट्स भी बराबर अटेंड नहीं हो रही हैं, और जो बिल हैं उसके ऊपर अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भेजी गई है तो साहब ने बोला उसके लिए अभी 6 महीना सहूलत दिया है कि 6 इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट कंज्यूमर भर सकता है। तो आज हम लोगों ने उनसे बहुत ही बातें की जिनका समाधान उन्होंने निकालने का आश्वासन दिया, जो जो तकलीफें बताई। लेकिन लाइट डिपार्टमेंट की तरफ से ये तो तय है कि जब तक ओवर टेक है, ऊपर से लाइनें खुली जाती हैं, तो जो जब तक अंडरग्राउंड नहीं होता है उल्लासनगर, तब तक लाइट की समस्या चलती रहेगी। थोड़ी बहुत भाई बारिश में हवा लगती है, कभी बारिश पड़ती है, तो उसके लिए उनसे हम लोगों ने बोला कि बारिश से पहले आप मेंटेनेंस भी बहुत जल्दी जल्दी करके लीजिए ताकि आने वाली बारिश में कोई भी लाइट की समस्या ना हो। और उन्होंने आश्वासन दिया दुकानदार, पंचायत को, व्यापारियों को, पदाधिकारियों को कि हम बहुत से बहुत कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। फैलाया जा रहा है कि लोड शेडिंग होने वाली है, लोड शेडिंग बस 22 तारीख से होगी, 26 से होगी, 28 से होगी। तो आज साहब ने चैनल पे भी आश्वासन दिया है कि हमारे पास फिलहाल कोई भी लोड शेडिंग नहीं है, और जहाँ पर भी उन्होंने लोड शेडिंग हो रही है उन्होंने ए से लेके एफ तक जोन बनाया है, जिधर उनको नुकसान हो रहा है, जो फीडर पे चोरी हो रही है वहाँ पर, नादेड़ में, इधर उधर बहुत से जगहों पे लोड शेडिंग है, लेकिन जहाँ पर फीडर में चोरी होती है बाकी एनर्जी की कोई भी कमी नहीं है। फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया कि लोड शेडिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।